वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल मूव शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अक्टूबर मंथ आ गया है, फेस्टिवल्स में काफ़ी टाइम आपका यूज़ हो जाएगा, पढ़ाई करने के लिए टाइम कम बचेगा। तो जल्दी जल्दी आप अपना सिलेबस कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। एक बार फिर मैं आपके पास आ गया हूँ 11th की स्टैटिस्टिक की बुक का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। पिछली वीडियोस में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो कवर किया था कोरिलेशन। कोरिलेशन की सीरीज आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके सर्च करिए प्लेलिस्ट में, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, आपको कोरिलेशन की पूरी सीरीज प्रोवाइड की जा चुकी है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट www.mufshiksha.com पर जाकर आस्क मी कॉलम के अंदर जाकर पूछ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे आप आपके किसी भी सब्जेक्ट की क्वेरी पूछ सकते हैं। हम हमारे वेबसाइट पर 100+ सब्जेक्ट की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने एक मुहिम चलाई है, शिक्षा सभी को मुफ्त, कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसलिए हम यहाँ पर इस चैनल पर मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। शिक्षा सभी का अधिकार है, कोई भी बच्चा किसी भी रीजन से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जैसे कि नाम से ही सुनाई दे रहा है, एक इंडेक्स वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग से स्कूल में आपने देखा होगा, जब आप नोटबुक लगाते हैं तो नोटबुक के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना होता है। आप उस इंडेक्स को रिमेंबर करिए, वो इंडेक्स कैसा होता था, जिसमें पहले स्टार्टिंग में सीरियल नंबर, बीच में आपका पर्टिकुलर, बाद में टीचर सिग्नेचर एंड अदर्स कॉलम बने होते थे। तो ये एक टेबल की फॉर्म होती थी इंडेक्स, जो आपने देखा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें इंडेक्स नंबर, यानी कि कोई ऐसी टेबल जिसके अंदर नंबर, कोई डेटा, कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ऐसा ही कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आप बहुत काम होकर, नॉर्मल होकर अगर कॉन्सेप्ट्स को सुनते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि हम आने वाले आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए पेन ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं रेड। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। मैंने ऑन एन एवरेज आपको एक आइडिया दे दिया इंडेक्स नंबर क्या है। कोई एक टेबल होगी जिसके अंदर कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोई डेटा या लिस्ट गिवन होगी। तो ऐसी ही मिलती जुलती फेमिलियर से डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद हम इंडेक्स नंबर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कंपैरिजन। कंपैरिजन वर्ड जब भी आता है तो याद रखिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें एटलीस्ट टू थिंग्स की जरूरत होती है, क्योंकि सिंगल थिंग का कंपैरिजन नहीं हो पाता है, पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल थिंग कैसे किसी दूसरे बिना चीज के कंपैरिजन दिखा सकती है? तो इसका मतलब एक सीधा सीधा हमें हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले इंडेक्स नंबर में, वहाँ लिस्ट के अंदर एटलीस्ट, लिस्ट और इंडेक्स के नंबर के अंदर एटलीस्ट दो वेरिएबल होंगे जिनका कंपैरिजन हम करेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, आप लास्ट वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं। वेरिएबल ऐसी टर्म जिनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम इंडेक्स नंबर में, आगे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आई आई पी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके इंडेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे इसके अंदर। आगे आ रहा है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर वर्ड जब भी आता है तो सीधे ही गुड्स का थॉट हमारे माइंड में आता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज जैसे हमारे माइंड में आता है तो उसके प्राइस और डिमांड का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाता है, क्योंकि गुड्स का जो रिलेशन है सीधे ही प्राइस और डिमांड के साथ है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, कि कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके प्राइस और क्वांटिटी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या कंपैरिजन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे आ रहा है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल
होलसेल का मतलब है जब एक बल्क में सेल की जाती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल की जाती है, तो ये ऐसी सेल पॉसिबल हो पाता है जो प्रोडक्शन हाउस है वहां से, जो प्रोड्यूसर चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है वही होलसेल कर पाता है, कोई नॉर्मल पर्सन होलसेल नहीं कर सकता है। तो ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल रेट क्वांटिटीज के जो डिफरेंस होगा, कंपैरिजन होगा, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑब्वियसली बात है, जब हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, तो सारी वैल्यूज कैसे होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। बट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ बात कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम गुड सर्विसेज यूज करेंगे उसकी वैल्यू की बात कर रहा है, उसके रेट की बात कर रहा है, वो कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एवरेज, क्योंकि हम एक इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम इनको एवरेज बेसिस पे पढ़ेंगे, कोई सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी हम नहीं स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम पढ़ेंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे जिनके प्राइस अकॉर्डिंग टू टाइम प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है हम उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल क्वांटिटी की नहीं, ऑल ओवर यूनिट्स की स्टडी करेंगे जिसका एवरेज फाइंड करना भी सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर सेंसेक्स। सेंसेक्स वर्ड्स अगर आप लोगों को, जिसको भी स्टॉक मार्केट की शेयर मार्केट की नॉलेज होगी तो उन्होंने ये वर्ड सुना होगा सेंसेक्स। तो इस सेंसेक्स के बारे में आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले सेंसेक्स के बारे में आपको एक हिंट दे देता हूँ। सेंसेक्स भी एक तरीके का इंडेक्स नंबर है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, हिंट देता है, इंडिकेटर देता है अबाउट शेयर मार्केट और वी कैन से अबाउट स्टॉक मार्केट। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। आपकी स्क्रीन पे इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन आ रही है, चलिए पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड of a variable or group of related variables with respect to time, geographical location or other characteristic। अब बोलेंगे फ्रेंड्स सर डेफिनेशन तो इतनी बड़ी हो गई, ये याद कैसे होगी? पहले आप डेफिनेशन को समझिए। जब कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो वो याद भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूवी आपको पहले बोल दी जाए कि 4 घंटे की है और आपको स्टोरी सुनाई जाए, सिर्फ समझाई ना जाए, आप सिर्फ उसको सुन रहे हैं, तो आप उसको सुनेंगे तो वो आपको हो सकता है कि उसका 1/3, 2/3 ही याद हो पाए। लेकिन जब आप उस चीज़ को समझेंगे, वर्चुअली उसको देखेंगे, वीडियो में देखेंगे उसको, तब वो आपके जहन में बैठ जाएगी। ऐसे ही डेफिनेशंस का भी होता है, जब आप डेफिनेशंस को रीड करेंगे वर्ड टू वर्ड, उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। प्रैक्टिकल चीज़ों से जब कनेक्ट करेंगे तो वो डेफिनेशन भी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो चलिए वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन को समझते हैं। बोल रहा है एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल मेजर डिजाइन। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिकल मेजर होता है जो डिजाइन किया गया है। किस लिए डिजाइन किया गया है? शो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, चेंजेस शो करने के लिए, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वर्ड वहां यूज होता है जहां पे हम किसी चेंजेस को परसेंटेज में, डिग्री में अगर मेजर करते हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहां पे जो चेंजेस है हम, वो चेंजेस शो करेगा कौन? इंडेक्स नंबर शो करेगा वो चेंजेस। किसके अंदर चेंजेस शो करेगा? अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। ये बोल रहा है और अ वेरिएबल, एक वेरिएबल का या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का क्या करेगा? चेंजेस, यानी कि उसमें कितना परसेंटेज चेंजेस आ रहा है, किस डिग्री में चेंजेस आ रहा है, उसको शो करेगा कौन? इंडेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस तो शो करेगा बट एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल क्या प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन थी और इस साल प्राइस इंडेक्स में क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, तो एक साल पूरा एक क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, 12 मंथ्स होते तो एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम वेरिएबल मान लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी, तो कोई प्रोडक्ट जिसका पिछले साल जो प्राइस था उस पर जितनी क्वांटिटी सेल हो रही थी, फिर नेक्स्ट ईयर उसके प्राइसेस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, यही चेंजेस जब हम मेजर करते हैं
परसेंटेज में, डिग्री में, तो फिर उस परसेंटेज और डिग्री को जिस टेबल द्वारा शो किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। आगे देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंगली और अदर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप किसी एक कंपनी का प्राइस इंडेक्स चेक कर रहे हैं, वो कंपनी मुंबई में थी पहले, बाद में वो कंपनी की जो सेकंड ब्रांच है वो राजस्थान में इंस्टॉल हो गई। अब मुंबई की प्राइस इंडेक्स चेक करेंगे और राजस्थान का प्राइस इंडेक्स चेक करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो चेंजेस में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो जियोग्राफिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जियोग्राफिकल चेंजेस मतलब फ्रेंड जहां पे प्लेसेस चेंज हो जाएं, प्लेसेस चेंज होने की वजह से वेरिएबल्स में कितना परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ रहा है ये भी डिपेंड करता है इंडेक्स नंबर के अंदर। और अदर कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर www.mufs.shiksha पर जाकर आस्क मी कॉलम के अंदर आपका डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खूबियां, इंडेक्स नंबर की खूबियां क्या है। जैसे किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक किसके, इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर के यूजेस कैसे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसके अंदर फीचर क्या है, ये सब पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इंडेक्स नंबर के अंदर कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्वालिटेटिव मतलब कोई गुड है, कोई बैड है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई ज्यादा अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, ये क्या क्वालिटी है। तो ऐसी क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं होगी इंडेक्स नंबर के अंदर। क्या होगी, लाइक प्राइजेस आर राइजिंग और फॉलिंग। ये बोल रहा है कि जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो क्वालिटी है प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन इंडेक्स नंबर के अंदर नहीं होगी। इट इज अ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द कंसर्न वेरिएबल। ये बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर के अंदर जो भी होगी इंफॉर्मेशन वो प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी जिसको चेंजेस इन द कंसर्न वेरिएबल, जिसके वेरिएबल में चेंजेस आ रहे होंगे उस इंफॉर्मेशन को मेजर करता है कौन, इंडेक्स नंबर। तो सीधे सीधे अगर नॉर्मल शब्द में आप समझो तो इंडेक्स नंबर का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी और उसके वेरिएबल में जो भी चेंजेस आ रहे होंगे उसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी कि नंबर्स के थ्रू ही शो किया जाएगा, ना कि इनकी किसी क्वालिटी के थ्रू शो किया जाएगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका, इंडेक्स नंबर्स शो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। इंडेक्स नंबर शो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। इंडेक्स नंबर किसी एक वेरिएबल की स्टडी करता नहीं है, पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पे होल यूनिट्स की स्टडी की जाती है। तो जब होल यूनिट की स्टडी की जाती है तो यहाँ पे वो एवरेजेस चेंजेस दिखाता है, किसी एक यूनिट का चेंज नहीं दिखाता। सारे यूनिट को एक साथ रखने के बाद जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं उनका चेंजेस शो करता है। तो जब एक से ज्यादा यूनिट हो जाती है तो वहां पे हम बात करते हैं एवरेजेस की। तो इंडेक्स नंबर कैसा चेंजेस शो करता है फ्रेंड्स, एवरेज चेंज शो करता है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल वेयर इट इज सेड दैट प्राइस लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड, दैट डज नॉट मीन दैट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस हैव बीन इंक्रीज्ड, बट इट मींस दैट ऑन एंड एवरेज प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि अगर हम बोलें कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर गुड का प्राइस, हर गुड का सर्विस, हर सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया। अगर हमारे पास पांच गुड्स हैं ए बी सी डी और हम बोले कि प्राइस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, सबका प्राइस बढ़ गया। नहीं, इंडेक्स नंबर के अंदर ऑन एन एवरेज रिजल्ट दिखाता है। तो हो सकता है कि पांच वेरिएबल में से ए बी सी का प्राइस बढ़ गया हो, लेकिन हम इंडेक्स नंबर के अंदर एवरेज डेटा की स्टडी करते हैं तो पांचों का डेटा निकालने के बाद हम जो रिजल्ट आएगा इंक्रीज या डिक्रीज हम उस पर स्टेटमेंट करेंगे। तो यही बोल रहा है कि डज नॉट मीन दैट प्राइस ऑफ ऑल गुड, ऐसा नहीं कि सारे गुड्स का प्राइस बढ़ गया हो, नहीं बोल रहा है, बट इट मींस दैट ऑन एन एवरेज प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज। ऑन एन एवरेज प्राइस बढ़ गया होगा, टोटल अगर हम देखें तो प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन हर एक गुड्स का प्राइस बढ़ गया ऐसा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड आगे पढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक।
एन इंडेक्स नंबर इंडिकेटिंग चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, बोल रहा है इंडेक्स नंबर जो चेंजेस दिखाता है वो मैग्नीट्यूड में दिखाता है, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में या फिर डिग्री में दिखाता है। एज ऑफ प्राइस वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन, फॉर इसके एग्जांपल दे रहा है कि कैसे जैसे प्राइस में चेंज दिखाएगा। फॉर एग्जांपल पहले किसी पहले के जो प्राइस थे वो थे 100, अब जो प्राइस हो गए वो हो गए 108, तो हम अगर इसका परसेंटेज निकालें तो कितना आ गया 8%। तो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड कैसे शो होता है, डिग्रीज में या परसेंटेज में। इट इज रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड एट द स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू यूजुअली टेकन एज 100। बोला ये रिलेटेड होता है स्टैंडर्ड या बेस वैल्यू, आप स्टैंडर्ड बोल लीजिए या बेस वैल्यू बोल लीजिए, जिसको नॉर्मली हम लेते हैं 100। अगर हम किसी का भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका बेस ईयर या बेस वैल्यू को ज्यादातर हम 100 लेते हैं। अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली, इंडेक्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, अब पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं। पहला है आपका स्क्रीन पे फ्रेंड्स प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इस लिस्ट के अंदर इस इंडेक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड होने वाली है, प्राइस ऑफ कमोडिटी या फिर प्राइस ऑफ सर्विस, किसी भी चीज का प्राइस, यानी सारा डेटा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगा, प्राइस से रिलेटेड। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट मेजर्स चेंजेस इन प्राइस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ अ कमोडिटीज एट अ प्रेजेंट ईयर एज अगेंस्ट बेस ईयर। एक एक करके समझते हैं। पहले बोल रहा है इट मींस चेंजेस इन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये बोल रहा है कि प्राइस इंडेक्स के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक मंथ हो सकता है, एक ईयर हो सकता है, एक डिकेड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग कमोडिटी की प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन नंबर। बोल रहा है इट इज बेसिकली रेशियो, ये जो होता है एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, प्राइस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटी। कुछ कमोडिटी सर्टेन नंबर बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, सर्टेन नंबर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटी मतलब कुछ क्वांटिटी में जो कमोडिटी है उनके प्राइस एट अ प्रेजेंट ईयर एज अगेंस्ट बेस ईयर कि 1000, अगर मान लेते फॉर एग्जांपल हमारा जो कमोडिटी है कितनी है 1000 कमोडिटी, क्वांटिटी 1000 है, तो 1000 क्वांटिटी का जो आज प्राइस है और जो पिछले साल जिसको हम बेस ईयर बोलते हैं कितना था, उसका कंपैरिजन करना किसमें, किसके अंदर, इसके इसकी स्टडी किसमें की जाती है, इंडेक्स नंबर। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि प्राइस इंडेक्स क्या क्या हो सकते हैं, बोल रहा है होल सेल प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन कंज्यूमर से पहुंचने से पहले जो उसका प्राइस होता है वो होल सेल प्राइस होता है, तो वो उस प्राइस को शो करने वाला इंडेक्स आपका क्या कहलाता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स। और एग्जाम्पल और दे रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लिविंग की जो कॉस्ट है, जैसे कोई बंदा है अगर वो सर्वाइव कर रहा, उसको फूड भी चाहिए, उसको एजुकेशन भी चाहिए, उसको मेडिकल भी सर्विस भी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उन प्रोडक्ट की कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। बट अगर हम प्राइस इंडेक्स बनाते हैं तो इन कमोडिटीज के प्राइस जो उसको लिविंग में यूज कर रहा है, जो कमोडिटीज है उनके प्राइस करंट ईयर में कितने हैं और बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर में कितने थे, इसका कंपैरिजन हम किसके अंदर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी होगी, किसकी क्वांटिटी, या तो गुड्स की या सर्विसेज की, गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे होंगे। चलिए डेफिनेशन से देखते हैं। दीज इंडिकेट, यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स इंडिकेट, और ये आपका पी नहीं होगा सी, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है, इतना बड़ा गुनाह नहीं है, इंसान है, टाइपर भी, उससे गलती हो जाती है तो माफ करते हैं उसको। दीज इंडिकेट सर्टेन टू
मेजरिंग चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज लाइक गुड्स प्रोड्यूस्ड और गुड्स कंज्यूम्ड, फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्ड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है, इन सब का जो डेटा है उसको शो करना टेबल में, वो आपका क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप इसको इंडेक्स नंबर कैसे, आपने करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बनाया प्रोडक्शन का, ब्रेस ईयर का बनाया होगा तो कंपैरिजन करेंगे तो चेंजेस पता चलेंगे। यहां पे बोल रहा है दीज इंडिकेट सर्टेन टू मेजरिंग, कुछ सर्टेन चीजें इंडिकेट करता है क्या, मेजरिंग चेंजेस, मेजर क्या करता है, चेंजेस मेजर करता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी, यानी कि कितनी वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी का मतलब है यहाँ पे एक बल्क में कमोडिटी होना, क्योंकि प्रोड्यूसर कभी कोई चीजें प्रोड्यूस करता है तो एक या दो यूनिट में नहीं करता, बल्क में करता है, किस लाइक गुड्स और गुड्स प्रोड्यूस और गुड्स कंज्यूम। हो सकता है कि अब प्रोडक्शन हुआ तो हम प्रोडक्शन की तरफ से यानी प्रोड्यूसर की साइड से अगर मेजर करेंगे तो हम गुड्स गुड्स प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, और अगर कंज्यूमर की साइड से मेजर करें तो कितना कंज्यूम करा उसके अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स क्या है, इट कंपेयर चेंजेस इन द मॉनेटरी वैल्यू। वैल्यू इंडेक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी इंफॉर्मेशन होती है, इट कंपेयर, कैसा कंपेरिजन है, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मतलब किसी की प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस, किसी सर्विस का प्राइस, इन जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स उसके भी तो रेट होते हैं, हो सकता है इंपोर्ट्स ज्यादा हो एक्सपोर्ट्स कम हो, इस ईयर पिछले ईयर एक्सपोर्ट ज्यादा हो इम्पोर्ट कम हो, तो इनका कंपेरिजन, और कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, कमोडिटीज जो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की जा रही है उनमें अगर चेंजेस होता है, उनके रेट में अगर चेंजेस होता है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेस ईयर। बेस ईयर की डेफिनेशन क्या है, इट रिफर टू द ईयर ऑफ रेफरेंस विद विच प्राइजेस ऑफ करेंट ईयर आर कंपेयर टू मेजर द चेंज। बोल रहा है बेस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर के साथ करंट ईयर के प्राइजेस का कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो ईयर चल रहा है क्या चल रहा है 2023, अगर हम इसके प्रीवियस ईयर जाएं तो 2022, अगर ये करंट ईयर है तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बेस ईयर। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो करंट ईयर है उसके जस्ट प्रीवियस वाला ईयर बेस ईयर हो, क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है 2010 तो आपको 2010 भी बेस ईयर हो सकता है, पर ध्यान रहे करंट ईयर में चेंजेस नहीं होगा। करंट ईयर अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है करंट ईयर आपका 2013 है और इसका और क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं कर रहा, लिख दे रहा है कि इसका प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मानिए, तो अगर करंट ईयर 2013 बोल रहा है तो आपका बेस ईयर क्या होगा फ्रेंड्स 2012। तो आपको पहले फोकस रखना है करंट ईयर पे कि क्वेश्चन के अंदर करंट ईयर क्या है, जो भी करंट ईयर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में या तो बेस ईयर दे रखा होगा या वो बोलेगा कि टू इयर्स अबव वाले ईयर लेना है आपको या जस्ट प्रीवियस ईयर लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बेस ईयर को चूज कर सकते हैं। तो बेस ईयर उस ईयर को कहते हैं जो करंट ईयर के प्राइजेस को कंपैरिजन करता है, करंट ईयर के प्राइजेस का जिस ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको बेस ईयर कहते हैं, और बेस ईयर पास्ट ईयर ही होता है यानी कि बीता हुआ साल ही होता है। आगे है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एज द परसेंटेज चेंज। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या मेजर करता है, परसेंटेज मेजर करता है कि कितना चेंजेस आ रहा है, कितना परसेंटेज चेंजेस आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, प्राइस लेवल में, प्राइस लेवल के अंदर कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है, ये कौन मेजर करता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंदर जो चेंजेस है वो कैसे देखने हैं हमें, ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि इस ईयर के स्टार्टिंग में इस कमोडिटी के प्राइस क्या थे, ईयर के एंड तक इस कमोडिटी के प्राइस क्या है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरा साल, कि एक दिन दो दिन नहीं, ये एक मंथ देख सकता है, छह महीने देख सकता है, एक साल, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना प्राइस लेवल के अंदर परसेंटेज चेंज आ रहा है वो मेजर किया जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के थ्रू।
आगे बोला इन्फ्लेशन इज द जनरल एंड ऑनगोइंग राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस इन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक जनरल एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसका? प्राइस लेवल में चेंजेस आने का। इन्फ्लेशन एक जनरल ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके जो रेट है उनमें थ्रू आउट द ईयर जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस या इन प्राइस इंक्रीज होना वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका इन्फ्लेशन के अंदर। सीधे सीधे शब्दों में अगर आप समझें इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर महंगाई का बढ़ना। इन्फ्लेशन रेट निकालने का फॉर्मूला है आपका आई वन माइनस आई जीरो और इसको आई नॉट भी स्पेल करते हैं अपॉन में आई नॉट मल्टीपल 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आई वन क्या है आपका? प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर, करंट ईयर का जो इकोनॉमी के अंदर प्राइस है उस टेबल के जितने भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आई वन प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर। आई वन डिनोट करता है आपका प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर और आई नॉट या आई जीरो आपका डिनोट करता है प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। इट गिव्स अ सेंस ऑफ हाउ ओवरऑल प्राइसेस इन द इकोनॉमी आर इवॉल्विंग। बोला जो इन्फ्लेशन रेट होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है वो कितना बढ़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा है सेंसेक्स। एक ऐसा वर्ड है जो लोगों को इंडिकेट करता है अमीर बनने के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेंसेक्स एक इंडिकेटर है शेयर मार्केट का या आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट का, जो आपको हिंट देता है कि कौन सा शेयर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इन्फॉर्मेशन देता है मार्केट की। आप उस हिंट के थ्रू ही डिसीजन बना सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सीधा सीधा अगर हम समझे तो ये आपको अमीर होने का हिंट देता है, बट आप कितनी सावधानी से कितनी सतर्कता के साथ आप डिसीजन लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं भी अगर आप प्रॉफिट अर्न करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा प्रॉफिट के साथ रिस्क पीछे पीछे ही आता है। आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे उतना ही रिस्क भी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपका लॉस होगा, रिस्क के थ्रू प्रॉफिट भी बनेगा, लेकिन याद रहे ध्यान से डिसीजन लें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रहता है। चलिए सेंसेक्स की डेफिनेशन देखते हैं। सेंसेक्स इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BSE। सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स विद 1978 टू 79। जो सेंसेक्स इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना शुरू हुआ था वो हमें कब से हुआ है? 1978 टू 79। इनका जो बेस ईयर है जिसके अकॉर्डिंग ये आज तक 2023 तक जो भी इंडिकेटर्स दे रहे हैं सेंसेक्स के थ्रू, उन्होंने जो बेस ईयर है वो कौन सा बेस ईयर लिया हुआ है? वो बेस ईयर लिया हुआ है 1978 to 79। द वैल्यू ऑफ द सेंसेक्स इज विद रेफरेंस टू दिस पीरियड। मतलब वैल्यू ऑफ सेंसेक्स जो भी रेफरेंस आता है वो इसी पीरियड से आता है, यानी कि उन्होंने इसको बेस ईयर माना है, इसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन करते हैं। इट इज द बेंचमार्क ऑफ इंडेक्स फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। याद रहे ये सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेंचमार्क है, अमेरिका और किसी अदर कंट्री के लिए नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो बेंचमार्क सेट कर रखा है वो किसने किया है? सेंसेक्स ने किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अब आपके लिए है होमवर्क। आप लोगों ने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं तब आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर? आपने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिफाइन बेस ईयर, बेस ईयर पे भी आपने पढ़ा कि जिस ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर का वो कौन सा ईयर होता है? बेस ईयर। उसके बाद स्टेट द थ्री टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। आपने अभी पढ़े इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स पढ़ा, आपने क्वांटिटी इंडेक्स पढ़ा और वैल्यू इंडेक्स पढ़ा, तो तीनों इंडेक्स नंबर आपने पढ़ लिए। गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा I1 माइनस I0 अपॉन I0 इंटू में 100। किसका फॉर्मूला है? इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला है। तो आपने सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर इंडेक्स नंबर से आपके एग्जाम के अंदर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें, अब आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो गई है।
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। आगे वाली वीडियोस में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।